हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, आप मेरे सामने देख रहे होंगे कॉफ़ी मग है, साथ में ब्रश भी है। सो यस, आज हम बनाने वाले हैं कॉफ़ी आर्ट, कॉफ़ी पेंटिंग और साथ में जानेंगे कॉफ़ी बेनिफिट्स, वो भी हेल्थ। एवरीवन नो दैट कॉफ़ी जो है वो हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आज कुछ नया करने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स अबाउट द कॉफ़ी आर्ट। सो गाइज, एवरीवन नो दैट कि कॉफ़ी कितने बेनिफिशियल होते हैं और कॉफ़ी किस हद तक हमारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है। सो मैंने सोचा गाइज कि कॉफ़ी पेंटिंग का आइडिया अमेजिंग होगा, सो व्हाई नॉट कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करूं एक इंटरेस्टिंग कॉफ़ी आर्ट और कॉफ़ी इलस्ट्रेशन। और यू नो गाइज, डू यू नो दैट 1.6 मिलियन पीपल लव कॉफ़ी इन ऑल वर्ल्ड एंड मी ऑल्सो कॉफ़ी लवर। और यू नो कॉफ़ी का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। कॉफ़ी विथ आर्ट एंड कॉफ़ी विथ मी एंड कॉफ़ी विथ ब्यूटिफुल ऑल पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करूँ, साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यस, दिस इज सारा मिराज खान, फैशन डिज़ाइनर एंड ट्रैवल आर्टिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी लिक्विड रेडी कर लिया है और कॉफ़ी मैंने 4 शेड में रेडी किया हुआ है। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे गाढ़े कलर का डार्क थोड़ा सा थिक है जो हम डार्क शेड लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ ड्रॉप्स अलग अलग वाटर बेस में कंप्लीट किया है शेड्स को। यहाँ पे देखिए, ये मैं 4th शेड बना रही हूँ, जो पहले जो बेसिक शेड से काफ़ी लाइटर शेड है। और उसके बाद अब ऑलरेडी मेरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट मोड में है और मैंने यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन की फ़िगर आउट कर लिए हैं। अब मैं कलर भरना शुरू कर रही हूँ। ये मैं लाइटर शेड से यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ डार्क शेड भी अप्लाई कर रही हूँ स्कर्ट को डार्कनेस देने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी मज़ा आया ये इलस्ट्रेशन करने में और मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। मैंने वैसे कभी आज तक ट्राई नहीं किया था, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं इलस्ट्रेशन के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ नया, कुछ मतलब अमेजिंग चीज़ें अपने इलस्ट्रेशन में लाऊं। और देखिए कितना अच्छा कलर शेड आ रहा है, ये कॉफ़ी का शेड है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये इलस्ट्रेशन करने में। गाइज यहाँ पर रुक के मैं आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा कॉफ़ी आर्ट वर्कशॉप होने वाला है। अगर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, कुछ नया सीखना चाहती हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती हैं विद कॉफ़ी, तो डेफिनेटली शुड बी ज्वाइन अस कॉफ़ी आर्ट वर्कशॉप जो 30 मार्च को हो रहा है। राग म्यूज़िक कैफ़े वेन्यू है, टाइमिंग 2 बजे है, और ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ कॉफ़ी आर्ट वर्कशॉप। अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। देखिए कितने अच्छे से, रियली अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात मुझे लगी ही नहीं, मैंने बस कॉफ़ी लिया, उसके 3-4 अलग अलग शेड बनाए। चूँकि हर इंसान अपने लाइफ में आर्टिस्ट होता है और उसे कुछ नया करना होता है, मेरी भी शुरू से तमन्ना है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं कुछ नया अपने इलस्ट्रेशन में, कुछ नया अपने डिज़ाइंस में हमेशा लाऊं। और डेफिनेटली जो मेरे डिज़ाइंस रेडी हो रहे हैं उसके बाद ये कंप्लीट लुक में फैब्रिक में आएंगे, तब भी मैं फैब्रिक को डाई करने की कोशिश करूंगी कॉफ़ी से और तब मैं शेयर करूँगी फ्रेंड आप लोगों के साथ। गाइज़ यहाँ पे देखिए किस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद ये इलस्ट्रेशन नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा लुक है, अमेजिंग, मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और मुझे तो रियली बहुत मज़ा आया है। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगा आपके इलस्ट्रेशन में, आपकी क्रिएटिविटी में। और जाते जाते अगेन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो औरों तक पहुँचे और लोग भी नया कुछ सीखें, नया एक्सपेरिमेंट करें। और थैंक यू सो मच दिल से गाइस, थैंक यू सो मच।